हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खुश होंगे। तो आजकल जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान जाने में सिर्फ मेरा एक दिन रह गया है। इंशाल्लाह ताला हम कल जो है सारी पैकिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो उससे पहले जो है वो सारी चीज़ों को मैंने फाइनलाइज़ करना था। कुछ चीज़ें लेनी थी जो रह गई थी, जो कि टाइट्स वगैरह और जो है वो सामान ले जाने के लिए सूट केसेस। तो मैंने कुछ चीज़ें लेने के लिए बाहर की, तो मैंने कहा चलें ये वाली वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। तो काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें थी जो अभी मेरे माइंड में ही नहीं आ रही थी। अब मुझे पता था कि वहाँ जा के मुझे इन सारी चीज़ों का पता चलना है कि कौन कौन सी मिसिंग है। अपनी तरफ से मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, तो बस एन आखिरी वक्त में आपको जब आप अपनी तैयारियों को फाइनल कर रहे होते तो आपको आखिरी वक्त में ये पता चलता है कि अब जो है वो मेरे पास ये फलानी चीज़ नहीं है, ये नहीं है, उसके साथ के जूते नहीं है, या इस तरह की कुछ चीज़ें। तो ये देखें जी, मैं तो लेने गई थी अपनी बेटी के टाइट्स और सूट केसेस, और वहाँ पे ये देखें मुझे चंद ये शायद साड़ियाँ नज़र आई हैं। कुछ आम कैजुअल साड़ियाँ हैं, थोड़ी काम वाली भी हैं और रंगीन बहुत ज़्यादा हैं। तो ये वहाँ पे ऑफ़र में थी, सिंपल, उसके ऊपर ये बेले सी बनी हुई है, सिंपल काम है इनके ऊपर, और इन पे 20% डिस्काउंट था। खैर, मैंने तो यहाँ से नहीं कुछ लेना था, लेकिन जस्ट मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की शेयर करने के लिए। अच्छी होती हैं अगर आपको इसकी कलर, इसके देखें कितने शौक हैं और बॉर्डर शॉर्डर इसके बने हुए हैं, और आई थिंक ये 20 या 30 याल की ऑफर पे थी। 39, सॉरी, ये 39। और ये देखें टाइट्स मुझे भी लेना था, तो ये जो है ये 20-20 रियाल के सभी मिल रहे थे। और तकरीबन सारे ही कलर्स यहाँ पे जो हैं वो मौजूद हैं। और ये देखिए, ये पूरे जो ट्राउजर्स हैं ये 20 यानी 20-20 रियाल के सिले हुए अच्छे स्टफ में थे, प्लाजो, और हाँ इसमें प्लाजो भी थे। और आप अपने किसी भी सूट के साथ या शर्ट के साथ इसको मैच कर सकते हैं। अच्छे सिले हुए थे, खूबसूरत थे, और 20 रियाल मतलब पाकिस्तानी को बन जाता है आपका 450 रुपये आई थिंक। तो इतने में आपको सिला सिलाया अच्छे किस्म का प्लाजो या ट्राउज़र मिल जाए, तो मेरा ख्याल में ये कोई इतना महंगा नहीं है। और स्टफ भी इनका गुड था, मतलब वो आपकी मर्ज़ी कि आप जिसके साथ इसको मैच करना चाहें, तो ये सिले सिलाए मिल रहे थे। और शर्ट्स भी थी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने भी ली है वहाँ से एक। और अभी मैंने अपनी बेटी के लेने थे टाइट्स, तो मैंने कहा चले इधर से देखती हूँ मैं टाइट। मुझे ना वाइट वाला नहीं मिल रहा था, मैं बहुत जगह से पता किया, अब मैं ये दूसरी जगह एक पे आई हूँ, वहाँ पे मुझे चाहिए था, तो वहाँ पे मुझे नहीं दिखा कहीं भी। बस तकरीबन सारी जो तैयारियां हैं वो शुक्र है अल्लाह का कि कंप्लीट हो चुकी हैं इंशाल्लाह ताला। और कल जो है वो मैंने अपनी सारी पैकिंग को फाइनलाइज़ करना है। अभी कुछ भी फाइनलाइज, वो पैकिंग को जो फाइनल टच एक देते हैं ना, वो तो देना ही देना है। मैं तो पता नहीं कितनी दफ़ा चीज़ों को निकाल के दोबारा सेट कर चुकी हूँ,
क्योंकि मेरे पास वो सूटकेस नहीं थे, तो वो फिर हमने आज सबसे बड़ा जो रीज़न था निकलने का वो सूटकेसेस ही थे। तो जो चीज़ें रह गई थी वो हमने ली, और यहाँ से कुछ हमने शर्ट्स वगैरह ली। तैयारियों में इंसान इतना बिजी हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता, कितनी मर्जी आप कर लो फिर भी आपका कोई ना कोई चीज़ जो है वो रह जाती है। और ये जो शर्ट्स हैं आपको नज़र आ रही, ये 1919 रियाल की थी, बड़ों के लिए भी थी बच्चों के लिए भी थी। और जो कीमत थी वो, ये इनकी ये जो है ये 15 15 रियाल थी। हाँ जी, इसकी कीमत 15 रियाल ही थी। सॉरी, आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा भारीपन लग रहा होगा क्योंकि इस वक्त मैं सो के उठी हूँ, तो जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो पीछे से शोर भी है, इसको आप इग्नोर कीजिएगा। बस एक दो तो 3 दिन में इतनी मसरूफियत रही कि मैं कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी। वीडियो तो मैं बना चुकी थी, बस वॉइस ओवर जो था वो मेरा रह गया था, इस वजह से मेरी वीडियोस जो हैं वो उस तरह जिस तरह मैं पहले रेगुलर डाल रही थी उस तरह नहीं आ रही थी। चलिए, खैर, आप इंशाल्लाह ताला आपको जो वीडियोस हैं वो बिल्कुल तवातर से जैसे पहले मिला करती थी वैसे ही मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। और आगे जो आने वाली सारी वीडियोस हैं वो यही पाकिस्तान जानने वाला जो हमारा सफ़र है उसी से रिलेटेड होंगी, और क्या क्या कर रहे हैं बिफोर गोइंग, तो वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी। और ये देखें, ये है जी, ये पजामा शर्ट है या आई थिंक नाइट वेयर है। और ये भी इसकी कितनी, हाँ इस ये था, ये डिस्काउंट पे था या नहीं ये नहीं मैंने गौर किया, लेकिन अच्छा था। और ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने, जब वहाँ से मुझे वो टाइट्स नहीं मिले उस वाले मॉल से, तो मैं यहाँ पे आई। दरअसल पहले मिल जाते हैं, अब उस स्टफ़ में नहीं, कॉटन स्टफ़ मुझे नहीं मिल रहे थे, तो इस वजह से मुझे जो है यहाँ से मैंने अल हरम मॉल से जो है वो सूटकेसेस लिए। बस मैंने सोचा कि अब ये यहाँ से अल हरम से देखती हूँ कि अगर मुझे वो वाइट वाले जो टाइट्स हैं वो मिल जाते हैं, मुझे कॉटन स्टफ़ में चाहिए थे, तो
तो वो नहीं मिल रहे थे। मैंने दो एक दो जगह से पता किया, तो अब यहाँ से जो है वो मैं सूटकेसेस लेने के लिए आई हूँ स्पेशली। और एक तो ट्राउज़र शर्ट्स और ये जो सूट होते हैं अपनी बेटी के लिए, वो भी मैंने लेने थे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जीन्स की वैरायटी इतनी है, इतनी ज़बरदस्त है। लेडीज़ जीन्स, और इनके पास सारे ही जो साइज़ थे अवेलेबल थे। ये देखिए ये सूटकेसेस हैं, और इतने ज़्यादा मतलब कि आपको वहाँ पे ये इनकी वैरायटी मिलेगी। सारे बड़े अच्छे थे, उनमें डिसाइड करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था, मुझे सभी बहुत अच्छे लग रहे थे। तो फिर ये जो कॉपर कलर में नज़र आ रहे हैं, फिर इनको मैंने फाइनल किया। थ्री पीसेस का सेट था वो, और वो हम लोग फिर लेकर आए। मेरा तो ये मशवरा है कि अगर किसी ने जो है ये इस तरह के ये सूटकेस लेने हो, तो आप यहाँ पे जो सऊदीया में है वो यहाँ अलहरम मॉल में ज़रूर इसको चेक करें। आपको अच्छी और डिस्काउंटेड प्राइस में मिल जाते हैं, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मैं तो यहाँ से दो से तीन दफ़ा ले चुकी हूँ, तो अभी तक जो जो भी लिए हैं इधर से बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो बस ये आने वाली इंशाल्लाह ताला जो वीडियोस होंगी वो मेरे इस ट्रैवलिंग पे होंगी। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो जो है वो पसंद आए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर हमारे लिए।